ज्वेलर्स के घर करोड़ों का डाका, परिजनों को बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम, 10 लाख की नकदी और आधा किलो सोना ले गए डकैत। 3 घंटे तक बदमाशों के कब्जे में रहा ज्वेलर्स का परिवार। मेरठ महानगर में शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने दुस्साहसिक तरीके से एक ज्वेलर्स के घर लाखों का डाका डाला। बदमाशों ने इस दौरान घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने इस दौरान घर से करीब 2.5 करोड़ का आधा किलो सोना और 10 लाख की नकदी लूट ली। घटना नौचंदी क्षेत्र के एल ब्लॉक पुल के पास विष्णु ज्वेलर्स के यहां हुई। बदमाशों की संख्या आधा दर्जन बताई जा रही है। बदमाशों ने 3 से 4 घंटे तक स्वजन को बंधक बनाए रखा। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। वारदात की सूचना पर पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अफसर स्वजन से घटना की जानकारी ले रहे हैं। आते देखे भैया, मैंने यहाँ जीने में से यहाँ से दिखे है ना, तो मैं जैसे उठी तो वो ऐसी बारीक सी टॉर्च ले रखी है उन्होंने, तो मैंने इसके पापा समझे। मैंने सोची ये आ रहे हैं, मैं क्यों क्या होगा, आवाज़ की तो खुटपुट सी आई जब उन्होंने ये खोली होगी किवाड़, मैं क्या होगा बाहर कुछ होगा मैंने कह रही। इतने तो उन्होंने आके हमें दबोच लिया, कहने लगे कि हम जो है यहाँ तो हमारे पास 2 या 3 आए, 4 देखे मैंने तो, और बाहर होंगे अगर हुए तो, पर हमने 4 देखे। आके कहने लगे हम वहाँ गाजियाबाद ब्रांच बता रहे ऐसे कुछ वो हैं, और तो चलो यू फाड़ा ये यहाँ रखा कुर्ता मेरा ये फाड़ा, और इस लड़का के हाथ बांधे पीछे नु करके नु हाथ बांध दिए पीछे, अनु चलो ऊपर चल, तीनों को एक ही कमरा में बंद कर दो। तीन घंटा करीब, हाँ करीबन होएगा 400-500 अंदाज बता रही हूँ मैं तो, सोना होएगा जो है 10-12 लाख रुपया। हाँ तो तुम आप लोग और कैसे हुआ? हमें तो ऊपर ले गए ना वो पिस्टन दिखा के, बाद में तो हमें तो खोल रखा मेरे को ना बांधा, फिर हमने वो कपिल का ये कपड़ा अपड़ा जो बना वो खोल के कपिल के पापा ने नुक्कीवाड़ को ये वाली बीच वाली खोली हल्की सी लग रही होंगी तो खुल गई हम पे। फिर हमने बरबर वाली इनसे कही कि हमारे मोबाइल सब ले गए तो सूचना कर दो पुलिस को। कितने बजे दाखिल हुए वो? ऐसे होंगे 2:30 या 3:15 बज रहे होंगे, 5:45 के करीब। कितने बदमाश थे? ये तेजपाल जी का मकान है जहां पर इसमें हम लोग खड़े हैं, यहीं पर एक घटना घटी है और करीब 3-4 महीने पहले, जैसा कि इनका बताना है कि ज्वेलरी की शॉप इनकी कहीं और थी जहां से इन्होंने शिफ्ट करके यहां लिया है और अपने मकान के ही नीचे के एक कमरे में दुकान के रूप में उसका प्रयोग करने लगे। और इनका ये बताना है कि इन्होंने 4 बदमाश देखे और मौखिक तौर पर इनके द्वारा अभी तक बताया गया है कि 10-11 लाख रुपए और घर में जो लोग प्रयोग करते थे इनके पारिवारिक ज्वेलरी थी वो गई है, कुछ चांदी के सामान गए हैं। सेफ खोलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था, सेफ को नहीं खोल पाए हैं। घटना के बारे में छानबीन करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, पूरे तथ्यों को देखा जा रहा है और शीघ्र ही अनावरण का सम्यक प्रयास किया जाएगा।